नाम डॉक्टर सुवर्चला है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो क्यों नहीं रहे हैं, क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं पा पा रहे। ये बात है, जान लीजिए कि जब एक कपल हमारे पास आता है तो उनका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है, ना जस्ट एज और कितने साल हुए हैं शादी के, सर्जिकल हिस्ट्री, अब कुछ सर्जरी हुआ है क्या, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या, यानी कि थायराइड का ऊपर नीचे होना, डायबिटीज़ का होना, फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स रहना, या आपको पहले मिसकैरेज या प्रेगनेंसी आके चले जाना, ऐसे फैक्टर्स लेना बहुत ज़रूरी है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जानने की यू नो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। तो ये सब जान लेने के बाद कुछ परीक्षाएँ हैं जो आपके बॉडी पे भी करना पड़ेगा, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। बहुत सिंपल है, अल्ट्रासोनोग्राफी से आपके यूट्रस में क्या चल रहा है, क्या कोई एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिप्स है, कोई कंजेनाइटल यानी कि शेप में कुछ गड़बड़ है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और आपके ओवरीज को भी देखा जाता है, ओवरीज में देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं क्या, क्या ठीक से ओवेरियन रिजर्व कम है, यानी कि ओवरीज में अंडे कम है क्या, एज के मुताबिक नहीं है क्या, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, AMH एंटीमुलेरियन हार्मोन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स करके देखा जाता है। और अगर एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और IUI भी फेल हुए हैं तो HSG यानी कि ट्यूब टेस्ट भी किया जाता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद उसी दौरान आपके हस्बैंड को भी सीमेनालिसिस की सलाह दी जाएगी। ये जान लीजिए कि जब एक कपल आता है तो औरत और आदमी दोनों की जांच एक साथ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि सारा ट्रीटमेंट औरतों को दिया जाए, जब पैसा और टाइम बर्बाद हो गया तब पता लगे कि पुरुष में कुछ प्रॉब्लम। इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि दोनों का जांच एक साथ करना चाहिए। तो आपके हस्बैंड को सीमेन एनालिसिस करवाने के लिए बोला जाएगा और इस सीमेन एनालिसिस में स्पर्म्स की क्वालिटी का जांच किया जाएगा, नंबर ठीक है क्या, हरकत ठीक है या आकार ठीक है, ये सब देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कॉज क्या हो सकता है। तो ये जब सारे रिपोर्ट आ जाते हैं आपके और आपके हस्बैंड के, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए काम करेगा। मगर ये जान लीजिए, ये सब डिसीजंस लेने के लिए एज सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर एज बहुत ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट जल्दी लेने के लिए कहते हैं, एज कम है, 30 से कम है, तो आप टैबलेट से भी ट्राई कर सकते हो, IUI से भी ट्राई कर सकते हो, जब सब कुछ फेल हो जाता है तब IVF करा सकते हो। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।